एसएसपी डॉक्टर विपिन थाडा ने नव वर्ष की तैयारियों पर कहा कि नव वर्ष सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए तथा नव वर्ष के जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा 31 दिसंबर और 1 जनवरी सभी लोगों का नया साल अच्छा हो तथा सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाहर निकलें, जिसको देखते हुए पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने कहा नए साल को संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन, बड़े वाहनों का प्रवेश कुछ समय के लिए रोका गया है तथा नौकायन पर वाहनों का प्रवेश रोका गया है तथा वाहनों के पार्किंग के लिए चंपा देवी पार्क में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी लोग पैदल परिवार के साथ घूमकर रामगढ़ ताल का आनंद ले सकें तथा गोरखनाथ मंदिर में भी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा रामगढ़ ताल में जल पुलिस पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे पानी में किसी तरह की दुर्घटना हो तो बचाया जा सके तथा साथ ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तथा शहर के मंदिरों में भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के पूरे दिन सभी अधिकारी भ्रमण पर रहेंगे तथा प्रयास है कि नया साल को सकुशल संपन्न कराया जाए। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें तथा मास्क लगाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने कहा रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है, सभी लोग इसका पालन करें तथा 31 दिसंबर को रात्रि में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा रात 11 बजे के बाद कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कोई व्यक्ति रोड पर दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा साथ ही किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा आने वाले नए साल की जनपद वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मनोकामना है कि आने वाला साल सभी जनपद वासियों के लिए सुखमय हो, सेहत और संपन्नता लेकर आए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सभी लोगों का नया साल अच्छा हो, लोग बाहर निकलें, इसके लिए पुलिस ने एक विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत तमाम व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जन करवाया गया है, बड़े वाहनों का प्रवेश कुछ समय के लिए जनपद में रोका गया है और नौकायान पर वाहनों का प्रवेश रोका गया है। विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर लोग पैदल परिवार के साथ घूमकर आनंद ले सकें रामगढ़ ताल का। साथ ही जो गोरखनाथ मंदिर है हमारा, वहां पर भी हमने विशेष व्यवस्था की है यातायात की और अलग से ट्रैफिक ड्यूटी लगाई है। रामगढ़ ताल में फ्लड पीएसी की कंपनी लगी है, जो कि जल पुलिस की कंपनी है। पानी में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए दोनों जगहों पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। इसके अलावा जनपद के अन्य व्यस्त बाजारों में और मंदिरों में विशेष पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारी भ्रमण पर रहेंगे 31 दिसंबर की रात में और 1 जनवरी को पूरे दिन, और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, सभी का नया साल अच्छा हो, इसका पूर्ण प्रयास किया जाएगा। साथ ही मेरी सभी से अपील है कि कोविड गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही जो रात्रि कर्फ्यू है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसका 100% अनुपालन करें। पुलिस की तरफ से भी सभी को बताया जाता है कि रात्रि कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। रात 11 बजे के बाद कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कोई व्यक्ति बिना कारण बाहर घूमता पुलिस को अगर मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और यदि इसमें किसी पुलिस बल की कोई लापरवाही पाई गई रात्रि कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करने में, तो उसमें उस संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक।